एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माय सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की है केमिस्ट्री बूस्टर सीरीज, जिसमें हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के शॉर्ट बट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। सो आज जो मैं कंसेप्ट आपके सामने लेके आई हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं वो मैं सारे क्लियर करूंगी। हम हर कंसेप्ट को बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर हम उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप आपके हर डाउट्स को क्लियर करते हैं। सो आज का जो कंसेप्ट आता है बॉन्ड फ्यूजन, जो केमिस्ट्री आती है ना, जैसे कंपाउंड्स बन रहे हैं, कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, वहां पे बॉन्ड फ्यूजन का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक कंसेप्ट है, बहुत इजी कंसेप्ट है, और जो मैं समझाऊंगी उससे आपके ये समझना और इजी हो जाएगा। देखिए, बॉन्ड फ्यूजन इस मीन, जैसे कि कोई बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे कोई बॉन्ड है, मतलब किसी बोलते हैं ना, इसका इसकी रिलेशनशिप अच्छा है, मतलब बॉन्डिंग अच्छी है। तो वैसे ही कंपाउंड्स है, उनमें बॉन्ड होता है। फीजन मतलब टूटना। अब देखिए, बॉन्ड का फीजन होता है, ठीक है। अब इसकी जरूरत क्यों होती है, कैसे होती है, कितने टाइप की बॉन्ड फीजन होती है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो समझिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। जैसे कि ऑर्गेनिक कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई भी चीज बननी है, ठीक है, अब ऐसे थोड़ी ना बन जाती है। आपको चाय भी बनानी है तो पहले क्या करोगे, पानी लोगे, उसके बाद क्या करोगे, उसमें जो डलेगा और सामान डलेगा, चाय पत्ती जो भी चीजें डलेगी, फिर उसके बाद क्या बनेगा, आपकी टी बनेगी, जो उसको आप पी सकते हो। अब ऐसे थोड़ी ना कि पानी में पत्ती चीनी डाली और पी लो, वैसे थोड़ी ना पी सकते, उसके लिए तो आपको प्रॉपर प्रोसेस करना पड़ेगा ना। तो देखिए, ऑर्गेनिक कोई मॉलिक्यूल है, इसको बोल सकते हैं आप सबस्ट्रेट, मतलब जो आपने लिया है, ठीक है, सबस्ट्रेट ले लिया। फिर आपने क्या किया, जैसे कि यहाँ पे आपने पानी ले लिया, उसके बाद उसको बनाने के लिए हमने चाय पत्ती और चीजें डाली, तो वो आ गया आपका अटैकिंग रिएजेंट। क्या आ गया, अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है, बन गया जो भी डाला उसमें। उसके बाद क्या होता है, अब वो उसके अंदर डाल दिया, क्या वो बन गई, नहीं बनी, वो क्या है, पहले मिक्स होगा, तो वो मिक्स आ गया आपका इंटरमीडिएट। क्या आ गया, इंटरमीडिएट, ठीक है, जो भी मिक्स कर रहा है उस टाइम। फिर उसके बाद आपने हीट दी, चाय पत्ती चीनी जो भी उसमें डाला था उसको हीट दी, उसके बाद क्या हुआ, आपकी प्रोडक्ट बना पीने लायक। पहले तो पानी था, उसमें और चीजें अटैकिंग रिएजेंट डाले, ठीक है, या आपको सब्सटेंस कंपाउंड कुछ भी बोल सकते हो जो डाले। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट, मतलब सभी का घोल है, अभी अब पीने लायक नहीं है, खाने लायक नहीं है कोई चीज, पहले इंटरमीडिएट बन गया। फिर उसके बाद उसका प्रोडक्ट बना, ठीक है, क्या बन गया, प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट का ये समझ सकते हो, प्रोडक्ट जो आप लिक्विड पी सकते हो, अब टी का जो टी बची होगी, ठीक है, वो थोड़ी ना आप पी सकते हो, उसको तो आप निकाल देते हो साइड को, तो वो बाय प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, समझ गए। पहले कोई कंपाउंड था, फिर उसके बाद वो रिएजेंट मिला, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट बना क्योंकि वो मिक्स था, उसके बाद वो जाके प्रोडक्ट बन गया। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, ये ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनके केस में कैसा होता है, हमने पढ़ा कि ये कंपाउंड बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, क्योंकि देखो चाय पत्ती है, ठीक है, चाय पत्ती है, उसको आपने पानी में डिप कर दिया, पानी में डाल दिया, तो क्या हुआ, वो क्या हुआ, उसमें वो मिक्स हो गया, कुछ टाइम लेगा और तब पहले मिक्स पहले रहेगा, उसके साथ स्टेबल होगा, उसके बाद मिक्स होगा, वैसे प्रोसेस बनेगी। तो क्या है, चाय पत्ती जो थी उसने अपनी अपनी जो क्वालिटी थी उसको पानी में छोड़ना स्टार्ट कर दी, उसी की वजह से तो फ्लेवर आएगा। तो उसमें क्या होगा, बॉन्ड क्या ब्रेक होता है, बॉन्ड बनता है, किस टाइप से बनता है, वो ही डिस्कस करते हैं। जैसे कि बॉन्ड फ्यूजन की बात की है, ये दो टाइप से होती है। एक आती है आपकी होमोलिटिक, क्या आती है, होमोलिटिक, ठीक है, समझ गए क्या पढ़ रहे हैं। कोई भी कंपाउंड है एंटागोनिस्ट अटैक कर रहा है, उससे नया प्रोडक्ट बन रहा है, तो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो किस किस मेथड से बन सकता है, किस मेथड से वो बॉन्ड ब्रेक होगा, किस मेथड से वो बन सकता है, तो वो है फर्स्ट आ गया आपका होमोलिटिक मेथड। इसमें क्या होता है, होमोलिटिक, आप इसको फ्यूजन भी बोल सकते हैं, फ्यूजन का मतलब टूटना, होमो मतलब सेम, घर जैसा फील होता है ना, होम से मतलब, तो होम मतलब सेम सेम। अब किसी और का होम आएगा, वहां का एटमॉस्फेयर अलग होगा, घर है, रूम अलग अलग होंगे, बट होगा तो एक ही घर में, तो होमोलिटिक मतलब सेम, मतलब कोई कंपाउंड है, जैसे कि कोई भी कंपाउंड है, इसको जब ब्रेक किया जाए तो क्या बन जाएगा, एक कंपाउंड
प्लस बी कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, इक्वल डिवीजन होगी। देखो एक माना मेरे पास कुछ सामान है, उसको मैंने बांटना है दो तीन पर्सनों में, तो मैं क्या करूंगी, दोनों को इक्वल डिवीजन की, ठीक है। तो दोनों को बांट दिया मैंने, ठीक है। तो ये आ गई मतलब इक्वल डिवीजन, मतलब होमोलिटिक फीजन, क्या बोल सकते हो आप इसको, इक्वल डिवीजन, ठीक है। जिसमें क्या होगी, बॉन्ड की जो ब्रेकर्स होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। अब देखिए ये जो डॉट है ये क्या है, अब सामान को ब्रेक किया हुआ है आपने, जैसे कि ये पैन है इसको बीच से ब्रेक किया है, तो क्या है, बराबर बराबर बटा है दोनों में, बट उसमें क्या है, उसमें कमी तो होगी ना, उसके पास पहले पूरा था, उसके पास आधा बच गया, तो क्या है, उसके ऊपर एक पॉइंट जनरेट हो जाएगा। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे फ्री रेडिकल, क्या होगा, फ्री रेडिकल। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एक बॉक्स है इसको हाफ कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, हाफ कन्वर्ट कर दिया, एक को बराबर एक को बराबर, अब दोनों के पास कमी तो रहेगी, पहले तो कंप्लीट था, तो ये क्या होगा, ये आ जाएगा फ्री रेडिकल। और ये क्या होते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इसके पास कमी है तो ये कोशिश करेगा कि कंप्लीट कर ले। समझ आ गया, होमोलिटिक मतलब इक्वल डिवीजन। एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं, जैसे कि आपका एग्जाम्पल C6H5, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फिर आ गया ऑक्सीजन कार्बन, ये आ गया आपका कंपाउंड है, ठीक है। ये क्या होगी, होमोलिटिक फीजन की बात की है, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया इसका, 2C6H5, और ये आ गया आपका कंपाउंड। फ्री रेडिकल है, दो मॉलिक्यूल दोनों इक्वल ब्रेक हुए तो पॉइंट जनरेट हो गया। फिर इसका आगे रिएक्शन हुआ तो क्या बन गया, 2C6H5 एंड प्लस CO2 मॉलिक्यूल ऑफ ए CO2, क्लियर हो गया, कमी होगी, फ्री रेडिकल जनरेट होगा तो होमोलिटिक फीजन होगी। होमोलिटिक फीजन समझ आ गया। अब हमेशा ही सबको बराबर थोड़ी ना बटेगा, अब देखो दुनिया में इतनी चीजें हैं, इतना पैसा है, सबको बराबर थोड़ी ना, कोई अमीर है कोई गरीब है, किसी के पास कमी है किसी के पास ज्यादा है, तो उस टाइप की फीजन आ गई आपकी हेटरोलिटिक फीजन। कौन सी आ गई, हेटरोलिटिक फीजन। इसमें क्या होगा, इसमें इक्वल डिवीजन नहीं होगी, क्या आ जाएगा आपका, नॉट इक्वल डिवीजन। समझ आ गया, क्या होगी, इक्वल डिवीजन नहीं होगी। कैसे, जैसे कि ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड है, ये ब्रेक होगा दो मेथड से, देखो या तो ए के पास ज्यादा आ जाएगा या तो बी के पास ज्यादा आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, या बी के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, या तो बी के पास ज्यादा आ जाएगा और ए के पास कम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे कार्बो केटायन, ठीक है। अब जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको बोलेंगे कार्बो एनायन, क्या बोलेंगे, कार्बो एनायन। कार्बो केटायन को पहले क्या बोलते थे, कार्बेनियम आयन, क्या बोलते थे, कार्बेनियम, क्लियर हो गया। पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बो केटायन, नेगेटिव मतलब कार्बो एनायन। पॉजिटिव चार्ज मतलब उसके ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज मतलब उसके पास कमी है, उसको चाहिए, तो वो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, या बी से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्या ए से, क्योंकि ए बी के पास है कमी है तो वो कोशिश करेगा पूरी करे, ठीक है, क्लियर हो गया। होमोलिटिक एंड हेटरोलिटिक, होमोलिटिक में क्या होगा, फीजन होगी, फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, और हेटरोलिटिक में क्या होगा, कार्बोकेटायन एंड कार्बन आयन जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बोकेटायन, नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन आयन, क्लियर हो गया। बॉन्ड फीजन क्यों होती है, जब कोई चीज प्रोडक्ट बनना हो, और क्यों बनता है कोई प्रोडक्ट, ताकि हम इसका यूज कर सके, चाय को बनाने के लिए क्यों, ताकि पी सके, अभी तो बनाया हमने, तो वैसे ही कोई भी कंपाउंड है वो इसीलिए बनता है। तो मेथड होमोलिटिक हेटरोलिटिक, फ्री रेडिकल मतलब डॉट का सिंबल शो करेंगे, और आपका कार्बोकेटायन पॉजिटिव एंड कार्बन आयन नेगेटिव। अब देखो फ्री रेडिकल कार्बोकेटायन कार्बन आयन ये क्या चीज है, वो स्टेप बाय स्टेप हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि फ्री रेडिकल क्या है, फिर उसके बाद करेंगे हम कार्बोकेटायन, फिर कार्बो एनायन, कहाँ को इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, कहाँ को डिक्रीज करती है, क्या इफेक्ट पड़ता है किस चीज का, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बता सकते हो, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। और यदि आपके माइंड में ऐसा कोई कंसेप्ट है जिसमें क्या हो रहा है आपको कंफ्यूजन रहता है और आपको स्टेप बाय स्टेप वो नहीं समझ आ रहा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हो, डेफिनेटली मैं आपको उस कंसेप्ट को बहुत ईजी वे से समझाऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।